स्मार्टफोन। स्मार्टफोन तो सभी लोग यूज करते हैं और मैं भी, पर ये बेचारा स्मार्टफोन बीमार सा हो जाता है और बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है हमारी कुछ गलतियों की वजह से। और आज के इस वीडियो में हम लोग उन्हीं गलतियों में से 5 बड़ी गलतियों के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको अपने फोन के साथ नहीं करने चाहिए। तो भाई आज की इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि आज की ये वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। सो बिना किसी टाइम पास के लेट्स गो। नंबर 1, इंस्टॉलिंग एप्स फ्रॉम अननोन सोर्सेस। जब हमें कोई एप्स चाहिए होती है तो हम उन्हें नॉर्मली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, पर कुछ एप्स पेड होती है या फिर किसी और रीजन की वजह से कुछ अल्ट्रा लेजेंड्स उन्हें प्ले स्टोर से नहीं बल्कि क्रोम पर जाकर पता नहीं कौन कौन सी वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं, जिनमें से कुछ एप्स में वायरसेस का खतरा हो सकता है और ये वायरसेस आपके फोन के साथ बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि आपका डेटा चुराना, फर्जी लिंक्स भेजना, ब्ला ब्ला ब्ला। तो भाई एप्स को हमेशा प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करने चाहिए, चाहे वो पेड ही क्यों ना हो। और अगर करने ही है तो ट्रस्टेड वेबसाइट से करो और उन्हें वॉइस टोटल जैसी वेबसाइट से स्कैन मारो। ये गलती तो भाई हम में से हर दूसरा आदमी करता है, कुछ एप्स चलाई और उन्हें रिसेट एप्स में से अप डाउन करके किल कर देना। ये धोखे में आके क्या मेरी मेमोरी क्लियर हो जाएगी और अब मेरा फोन फास्ट हो जाएगा। यकीन मानो ये आपके फोन को फास्ट तो नहीं उल्टा और स्लो कर देगा, क्योंकि जब आप किसी ऐप को रिसेंट ऐप में जाकर क्लियर करते हो और वापस उस ऐप को ओपन करते हो तो वो पूरा डाटा फिर से रिलोड होता है, जिससे आपके प्रोसेसर के साथ साथ आपकी बैटरी पर भी असर पड़ेगा। तो उन्हें क्लियर कर देने से अच्छा उन्हें वहीं पर रहने दो। अब अगर सवाल आया मेमोरी का तो भाई एंड्रॉयड एक बहुत ही समझदार बच्चा है, वो आपकी मेमोरी को मैनेज करना जानता है, वो अपने आप ही इन फालतू ऐप्स को क्लियर कर देगा। सो नो टेंशन, जस्ट चिल। नंबर 3, नॉट रिबूटिंग योर स्मार्टफोन। जिस तरह हमें सोने की जरूरत पड़ती है उसी तरह स्मार्टफोन को भी हर 2 महीने में रिस्टार्ट करने की जरूरत पड़ती है फ्रेश रहने के लिए, जो कि हम लोग नहीं करते। तो भाई हर 2 महीने में अपने फोन को थोड़ा आराम देना चाहिए और उसे रिस्टार्ट कर देना। भाई इसकी भी तो कोई फीलिंग है ना? मेरे को फीलिंग नहीं है। हाँ ठीक है। नंबर 4, इंस्टॉलिंग एंटीवायरस। सभी लोगों को अपने स्मार्टफोन प्यारे होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को अपने स्मार्टफोन इतने प्यारे होते हैं कि फोन परचेस किया नहीं फोन में 4-5 एंटीवायरस पहले डाल देने, क्योंकि फोन की सिक्योरिटी इतनी टाइट होनी चाहिए जितनी किसी VIP की नहीं होती। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूं कि वायरसेस से प्रोटेक्ट करने यानी बचाने वाले सॉफ्टवेयर को एंटीवायरस कहते हैं, लेकिन ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये वायरस के नाम पर आपकी कैश मेमोरी क्लियर कर देते हैं, जिसमें आपके फोन के एप्स का डाटा स्टोर होता है और वो डाटा क्लियर हो जाएगा और आप उस ऐप को दोबारा ओपन करोगे तो वो डाटा फिर से लोड होगा, जिससे आपकी बैटरी के साथ साथ आपके प्रोसेसर पे भी लोड पड़ेगा। अगर सवाल आता है आपके फोन की सिक्योरिटी का, तो भाई आपके फोन के लिए आप ही एक जीता जागता एंटीवायरस हो। ये डिपेंड करता है आपकी चॉइसेस के ऊपर, अगर आप अपने फोन को सही तरीके से यूज करते हो तो। बढ़ते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ। नंबर 5, यूजिंग बैटरी सेवर्स। हमारे दिमाग में ना ये बात बैठ चुकी है कि सुबह फोन को चार्ज किया तो शाम तक बैटरी चलनी चाहिए, जिसकी जिम्मेदारी हम लोग देते हैं बैटरी सेवर्स को, जो आपके फोन की बैटरी को लंबे समय तक चलाने में मदद देते हैं, पर इसी के साथ ही वो आपकी बैटरी लाइफ को भी कम कर देते हैं, क्योंकि ये बस वही काम करते हैं। आपने कोई ऐप क्लोज की उसे रिसेंट ऐप्स में से क्लियर कर देना, ये फायदा तो देते हैं लेकिन उससे ज्यादा नुकसान देते हैं। तो भाई बैटरी सेविंग के चक्कर में मत। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, एम करते हैं 50 लाइक्स के लिए। और साथ ही साथ अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, भाई हर बार बोलना पड़ेगा क्या? सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा देना। अगर 5G के बारे में थोड़ा ज्ञान चाहिए तो इस वीडियो पर क्लिक करो और मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए